अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले वड़िंग आप रहिंदे ने अनुशासन तो बाहर। पंजाब कांग्रेस प्रधान बनने तो पहला वड़िंग ने केड़े चाड़े सी चन कपड़िया के पैसे ना देने लैके रहे सी। राजा वड़िंग चर्चा च अपने ही वर्कर नू गाल कढ के मारिया सी थप्पड़। केड़ी खंघ वाली दवाई वाले बयान नू लैके पै गया सी पंगा। कांग्रेस के नवे नवे प्रधान बने अमरिंदर राजा वड़िंग हमेशा ही विवादों च रहे ने। अपने लीडर नू अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले राजा वड़िंग आप ज़्यादातर अनुशासन तो बाहर ही रेंदे विखे ने। गल भावें पंजाब कांग्रेस प्रधान बनने तो पहला दी होवे या बाद दी, कारनामे चर्चा का कारण बनते ही रहे ने। कदे अपने सपोर्टर दे शरेआम भैन दी गल कढ के थप्पड़ जड़ दिंदे ने। कदे पत्रकारां नाल बहस जांदे ने, कदे कुर्ते पजामे सीण वाले दर्जी नूं पैसे ना देण करके धमकियां दिंदे ही कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाती है। अजिहे कई मामले ने जिन्हां मामलियां नूं लैके राजा वड़िंग हमेशा ही चर्चा च रहे ने। ये उही राजा वड़िंग ने जिहड़े पंजाब कांग्रेस प्रधान बनने तो बाद अपने लीडरां नूं अनुशासन सिखाउण दी गल करदे रहे ने, पर शायद वह अपने समय नूं भुल के अपने लीडरां नूं अनुशासन का पाठ पढ़ाउण दी तैयारी कर रहे ने। राजा वड़िंग की उदों भी चर्चा हुंदी है जब गर्मा गर्मी विच वह अपने सपोर्टर नूं गाल कढ़दिआं शरेआम थप्पड़ जड़ दिंदे ने। वह भी उस वेले जब मीडिया के कैमरे चल रहे हुंदे ने, फिर वीडियो इस तरह वायरल हुंदी है जिवें हवा मिट्टी नूं अड़ा के लै गई होवे। इंज लगता है कि प्रधानगी की दौड़ च शामिल होने लई लीडर कुछ भी कर सकते ने। ये वीडियो देख के लोगों ने यही कहा सी कि लीडर नू दिमाग ठंडा रख के चलना चाहिए, क्योंकि जेड़ा फुल टाइम राजनीति विच होवे उसकी कली कली गल लोगों वालों नोट की जाती है। दूजा मामला राजा वड़िंग का उही है जब एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती है जिस विच वो अपने दर्जी नू पैसे ना देन दी गल आख रहे हुंदे ने। सियोनी ठीक है, मेरे कपड़े दे दे वापस। ठीक, दिमाग खराब होया होवे तां आपदा दिमाग सेट रख। नहीं भाजी, नहीं नहीं, कपड़े सोणे ते फलाण तू एडा बेइज्जती करदा है वी पहला पैसे लिया मेरे बंदे नू फोन। नहीं नहीं वीर जी, 3 साल हो गए पैसे लैण नू। पैसे ले ला, मेरे कपड़े हुणे पैक कर दे। हां जी, 22,000 रुपया तैनू बंदा फड़ाउंदा है। ठीक है भाजी, बिलकुल। हां औकात रहे। दर्जी नूं गाला कढ़दिआं कढ़दिआं वह धमकियां भी दिंदे ने। दर्जी का गुनाह यह सी कि वह नेता जी वालों सवाए गए कुर्ते पजामिया के पैसे मंग रहा हुंदा है। गाला कढ़दे कढ़दे होर की आखदे ने राजा वड़िंग, आओ तुहानूं वह भी सुना दिंदे आ। जिहड़ा तू स्नेह लाया ना 27,000 पहला पहला वाले पैसे दिओ। हां जी, पैसे लै ला ते मेरे कपड़े ना सोई सियोनी। ठीक है, मेरे कपड़े दे दे वापस। ठीक, दिमाग खराब होया होवे तां आपदा दिमाग सेट रख। नहीं भाजी, नहीं नहीं, कपड़े सोणे ते फलाण तू एडा बेइज्जती करदा वी तू पहला पैसे लिया मेरे बंदे नू फोन। नहीं नहीं वीर जी, 3 साल हो गए पैसे लैण नू। पैसे लै ला, मेरे कपड़े हुणे पैक कर दे। हां जी, 22,000 रुपया तैनू बंदा फड़ाउंदा है। ठीक है भाजी, बिलकुल। हां ते आपदी औकात च रह जी चाह। वीरे मैं तां औकात च, मैं तां औकात च। तैनू तैनू तू समझदा तू 2 मंत्रियां दे कपड़े बनाउण लगदा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं तुसीं किस तुसीं किस गल्लों गाला कढदे हो जी? वीर जी, राजा वड़िंग जी तुहाडे कोल पैसे लैणे 3 साल हो गए। तू मैं तेरे कोल जदे आया सी तू मैनूं कहना सी उदे ही, तू मैनूं इह कह कि भाई जी तैनूं तैनूं भाई जी मैं मैसेज लाया, रॉक्सी नूं मैसेज भी लाया, पिछले साल मैसेज भी लाया। क्या यार, तू आपदे पैसे तू मेरे बंदे नूं फोन करके कहा वी पहला पहला वाले पैसे लियाओ फिर देवांगे कुर्ते पजामे। ते भाजी पैसे मंग ले, गणा थोड़ो कर लिया, 3 साल हो गए। पैसे तैनूं किहने आखिया वी ना लै? पैसे नहीं आखिया। राजू मुंडा कपड़ा, राजू कपड़ा लै गया सी, कहिंदा मैं हुणे दे देना पैसे। पैसे किन्ने सुणिया ना, पर दिमाग आपदा टिकाने च रहना चाहिदा बंदे दा। तेरा दिमाग टिकाने च? वीरे मेरा दिमाग टिकाने च ही है, मेरा टिकाने च ही है। बदतमीज हो गया बहुत ज्यादा। बदतमीज तां हो गया पैसे मंग ले? ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ? ਉਲੂ ਦੀਆਂ ਪੱਠਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪੈਸੇ? ਭਾਜੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੋਤੇ। ਚੱਲ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਮੋੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫੇਲ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਆਜੋ ਆਜੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਦਿਮਾਗ ਆਪਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਹੈ।
ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਵੜਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਖਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗੋਲਜਵਾਲ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏਗਾ ਉਸਕੋ ਚਾਏ ਕੇ ਸਾਥ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਮਿਲੇਗਾ ਦਿਨ ਮੇ ਔਰ ਰਾਤ ਕੋ ਸੁਣੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੁਣੋ ਕਹੂ ਸੁਣ ਰਾਤ ਕੋ ਖਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। अगर कोई नहाना चाहेगा खांसी वाली दवाई से नहला भी देंगे। ये फ्री है पंजाब में। राजा वड़िंग नू कई बार किरकिरियां दा भी सामना करना पिया। गल 22 मार्च दी कर रहे हैं जद मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों शहीदी दिवस ते छुट्टी दा ऐलान किया जाता है, पर राजा वड़िंग खड़े होके सरदार भगवंत मान दे इस फैसले का विरोध करते हैं। शायद उन्होंने ये विरोध करना उस वेले भारी पै जाता है। सरदार भगवंत मान खड़े हो के राजा वड़िंग नू शहीद आजम सरदार भगत सिंह दे जन्म तरीक पूछ लेंदे ने। राजा जी ये भी मेरे दिमाग च है, तुहानू पता कि शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन कदों होंदा है जी? कमाल है यार, तुहानू ये भी पता कि जन्मदिन 28 सितंबर नू होंदा है। 28 सितंबर नू ते राजा वड़िंग उसे वेले चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं सोचता। निगाह आले दुआले जांदियां ने पर शायद किसी की निगाह उन्होंने जवाब देने में असमर्थ नज़र आती है, जिस तों बाद सोशल मीडिया से वीडियो वायरल हो जाती है। हैरानी है कि कांग्रेस के इन्ने वड्डे लीडर होने के बावजूद भी राजा वड़िंग नू शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जन्म तरीक याद नहीं है। हालांकि इसे लैके राजा वड़िंग की कई थावां के उत्ते किरकिरी भी होंदी है, सवाल पूछे जाते हैं, राजा वड़िंग बचते नज़र आते हैं। हालांकि राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस प्रधान बनने तो बाद भी बाज नहीं आते। चंडीगढ़ में बिना इजाजत के वड़े वड़े बोर्ड लगवा के कानून तोड़ते हैं, जिस करके चंडीगढ़ प्रशासन वालों हज़ारा रुपए का जुर्माना ठोकया जाता है। कि राजा वड़िंग ट्विटर पर भी मशहूर रहे हैं, जब उन्होंने हनुमान चालीसा नाल छेड़छाड़ करके लाइना सोशल मीडिया से साझिया की, जिस तों बाद हिंदू संगठनों वालों उन्होंने सख्त विरोध किया जाता है। इस तों बाद राजा वड़िंग लाइना नू सही दिशा दे के सही करके अपने सोशल मीडिया से साझी करते हैं। हालांकि किस्से राजा वड़िंग दे इत्थे खत्म नहीं होंगे, अजिहे कई किस्से ने जिन्हां तों पर्दा हटाया नहीं गया। पर राजा वड़िंग दे इन्हां किस्सियां नू लैके तुहाडी की राय है या तुसीं की कहना चाहुंदे हो, कमेंट करके जरूर दस्सिओ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रो पंजाब टीवी।